राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय दौरे पर आज झारखंड पहुंची। रांची एयरपोर्ट पहुंचने पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उनका स्वागत किया। बाद द्रौपदी मुर्मू सीधा देवघर गई, जहां बाबा वैद्यनाथ नाम मंदिर में पूजा अर्चना की। 3 दिवसीय झारखंड दौरे के पहले दिन द्रौपदी मुर्मू शाम 5 बजे झारखंड रांची स्थित हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन की। इसके बाद महामहिम एयरपोर्ट से रांची के लिए प्रस्थान की। रांची पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने अल्बर्ट एक्का चौक स्थित परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। वहीं राष्ट्रपति 25 मई को नामकुम में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रांची के दूसरे दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। उसी शाम वह राजभवन में झारखंड सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू साल 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। कई बार अपने बयान में उन्होंने कहा था कि इस धरती से उनका अलग ही लगाव है। मैं आज इसीलिए यहाँ कहना चाहती हूँ कि यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाईकोर्ट और बहुत सारे जजेस, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के एडवोकेट्स, लॉयर्स, बहुत सारे विद्वान व्यक्ति यहाँ बैठे हैं। बहुत सारे केसेस हाईकोर्ट में फाइनल होता है, बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट लेके जाते हैं। जो केस जिनके फेवर में है, जो पॉजिटिव है, वो नाचते हैं, गाते हैं। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, चलिए देर है लेकिन अंधेरे नहीं, इसीलिए वो खुश होते हैं। लेकिन उनका खुशी कुछ दिन में ही वो गायब हो जाता है, क्योंकि जिसके लिए वो खुश होते थे वो उनको मिलता नहीं। जिसके लिए इतने दिनों से समय, रुपया बर्बाद किए, कितने रात नहीं सोए इंतजार में, वो आज मिला, इसलिए वो खुशी है। लेकिन कुछ दिन के बाद जो वो खुशी एक्चुअल खुशी में कन्वर्ट नहीं होता तो वो फिर दुखी हो जाते हैं। मैं एक छोटी सी गांव में से आई हूँ, वहाँ एक छोटी सी मेंबर में थी फैमिली काउंसिलिंग सेंटर के। हम क्या करते थे, कुछ केसेस फाइनल होने के बाद हम रिविजिट करते थे। वो जो केस हम फाइनल किए, एक्चुअली वो ठीक ठाक है कि नहीं, वो फैमिली वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ठीक ठाक है, मुझे पता नहीं। ये जो प्रोविजन है कि नहीं, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, अपने वर्डिक्ट लेके आते हैं, मैडम मैं तो केस तो जीत गया लेकिन मुझे जो मिलना चाहिए, जो जस्टिस मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे पता नहीं उसका कुछ रास्ता है कि नहीं। मैं अभी चंद्रचूर साहब से, चीफ जस्टिस से मैं बातें करती थी, उन्होंने बोले हाँ ऐसे केसेस है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, उन्होंने बोले कंटेम्प्ट केस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं। कंटेम्प्ट केस करने के बाद फिर शुरू से मुझे फिर वही दोहराना पड़ेगा, वही मुझे से फिर 20 साल जाना पड़ेगा, फिर 7 साल मुझे इंतजार करना पड़ेगा, फिर मुझे 10 साल इंतजार करना पड़ेगा, मुझे पता नहीं उसका कुछ रास्ता है कि नहीं। आप सब जजेस बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट बैठे हैं, मुझे पता नहीं उसका रास्ता है कि नहीं। सरकार के, गवर्नमेंट के एक लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, उसका रास्ता मुझे लगता है उनको सही महीने में जस्टिस मिलना चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।